इसलिए मुझे एटा गुडे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देखिवा सीधा प्रसारण पुलिस डीजी विजय कुमार शर्मा कर सीधा प्रसारण प्रतिक्रिया देले आमे दृढ कार्य अनुष्ठान ग्रहण करू सर बाटिया सर बाटिया बुलबुल बोलि सर सर बाटिया बुलबुल बोलि सर ओडिसा रे सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट हिसाब रे केंद्रापडा भद्रक कटक विशेष कर सर पुलपुर जदि आपन देखिवे हिस्ट्री देखिवे त ई तीनटे जिल्ला पर फोकस रहइबो सर आपन सबु जिला उपरे फोकस अछि जो एही तीनटी छोडा मध्य अन्य जे कोनसी सेंसिटिव जिला रे किंबा सेंसिटिव एरिया रे जोठी भी आम पाखरे कोनसी आशंका रहिछि किंबा कोनसी खबर रहिछि किंबा कोनसी इंटेलिजेंस रहिछि किंबा पूर्व घटना रहिछि आमे ता उपरे संपूर्ण रूपे प्रस्तुत अछि सर बातिया बुलबुल पे किमिति कोन पुष्टि कराइ छै उधर बेंड्रेप में ओडिसा पुलिस बातिया बुलबुल रो प्रभाव को आखि आगरे रखी ओड्राफ जो उपकूलवर्ती अंचल रे जो जिला गुड़ी करे आशंका रही बात्यार प्रभाव पड़ो से जिले में ओड्राफ डिप्लॉय करा या छड़ा फायर टीम मध्य प्रत्येक स्थान रे सजाग अन्य एरिया रू फायर पर्सनल को आनी सीनियर अफिसर दायित्व रे आमे फायर फायर टीम को मध्य इक्विपमेंट सहित देछु मु ट्वीट मध्य कली फायर एवं ओड्राफ रो आमर पर्सनल माने गच्छ काटिबारे लोकों को उद्धार करिवारे जणे गर्भवती महिला को नहीं कि हॉस्पिटल जीवार मध्य नजीर आसलानी एवं सबु स्थान रे सजाग अछंती एवं जिला एडमिनिस्ट्रेशन को सहाय करिवा पई से माने संपूर्ण रूपे आपण माने वर्तमान सीधा प्रसारण देखुथिले डीजीपी को प्रेस मीटर जो थे कि सीधा सड़क कहते बुलबुल प्रस्तुति वर्तमान बेस भल रूपे सुचारू रूपे किपर कर से नहीं सतर्क रही प्रशासन और पुलिस प्रशासन विशेष सतर्कता अवलंबन करे फेर अयोध्या खबर को अयोध्या भगवान राम मंदिर निर्माण पर वर्तमान बाट फिटी सारी अयोध्या को नहीं सुप्रीमकोर्ट ऐतिहासिक राय शुणाई जो राय उपर नजर रही विश्वर नजर रही तीस दिन भितर तीस मिनिट भितर वर्तमान 491 वर्षर यह ऐतिहासिक राय सुनाई सुप्रीम कोर्ट एवं विवादीय 2.77 एकर जमी राम जन्मभूमि न्यास को दिया विवादीय जगह ट्रस्ट को हस्तांतर करा जिवो तीन मास भीतर ट्रस्ट बोर्ड गठन पाई केंद्र को निर्देश देइछंती कोर्ट ट्रस्ट बोर्ड रे रहिबे सदस्य निर्मोही आखड़ा तबे धर्मशास्त्र उपरे कोर्ट विश्वास करबा उचित नुहे एएसआई रिपोर्ट रे मंदिर संपर्क रे उल्लेख रहिछि मंदिर भांगी मस्जिद होइतिबा एएसआई रिपोर्ट रे नाही ए सबू नहीं कि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट निजर सुनानी बेले खाली जगार मस्जिद निर्माण प्रमाण नहीं बोली सुप्रीम कोर्ट कहते मस्जिद टी संपूर्ण भाव इस्लामिक प्रकृतिर नुहे तेरे उभय पक्ष स्वीकार करते श्रीराम जन्म अयोध्या होता मंदिर और मस्जिद निर्माण में 400 वर्षर व्यवधान अच्छी तेरे मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण पर विकल्प जमी दिया प्लॉट अयोध्या के अंदर अन्यत्र देने की बात कही गई है। मैंने पहले भी कहा था कि यह एक ऐसा मामला है जिस मामले में अयोध्या एक्ट 1993 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन्वोक कर सकती है। आज जजमेंट में 1993 की जो अयोध्या एक्ट है उसको इन्वोक करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 6 और 7 में यह आदेश दिया है कि आप एक स्कीम बनाए उस स्कीम को बना करके जो रामलला को वह जो डिस्प्यूटेड है 2.77 एकड़ उनको दिया जाएगा और मुस्लिम पक्ष का जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो सुटफोर था उसको भी अलाउ किया और ये कहा कि आप जो है 5 एकड़ लैंड अयोध्या के अंदर कहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेशित किया है राज्य सरकार को आदेशित किया है कि एक्वायर करके उनको दिया जाए मॉस्क बनाने के लिए और एसोसिएटेड जो भी उनकी एक्टिविटीज है उसको चलाने के लिए। एक तरह से यह सामाजिक सौहार्द या जो कॉमनल हार्मनी को इस्टेब्लिश करता है यह एक जो अनेकता में एकता वाली जजमेंट है और इसको सारा 125 करोड़ पब्लिक स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट ने सूट नंबर 4 और 5 पार्टली डिक्री किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भगवान श्री रामलला विराजमान का सूट नंबर 5 डिक्री किया है और जो डिस्प्यूटेड एरिया था वो हिंदू पक्षकारों को दिया गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि वो वहाँ पे एक ट्रस्ट बनाएगा अंडर सेक्शन 6 और 7 ऑफ अयोध्या एक्विजिशन एक्ट और वहाँ मैनेजमेंट का सारा व्यवस्था करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सूट नंबर 4 को पार्टली डिक्री किया है और उनको एक अल्टरनेटेड लैंड देने की आदेश पारित किया गया है। मस्जिद को लेकर के 5 एकड़ जमीन दिया जाएगा और वो बाद में डिसाइड होगा कि एप्रोप्रिएट जगह पे कहाँ पे दिया जाएगा। अयोध्या में होगा कहीं पे एप्रोप्रिएट जगह पे वो देखो सरजूपार या सरजूपार के अंदर। न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो लोकतांत्रिक देश होने के नाते सबने उसको स्वीकार करना चाहिए और शांति और सद्भाव वही कायम रखना चाहिए। सभी लोग शांति और सद्भाव कायम रखें यही मेरी प्रार्थना है।
ये अपील करता हूं कि हम अपनी एकता, प्रेम, भाईचारा, शांति, सौहार्द, आत्मीयता और प्रेम बनाए रखें और सब मिलके विशेषकर मध्य प्रदेश को शांति का टापू जो है, शांति का टापू बनाए रखें। हम सभी ने संयम से, संतुलित मन से इसको अंगीकार करना चाहिए, शांत भाव से। जैसा एक माँ को जो आनंद होता है, वो आज सभी जनमानस को, सभी को होना चाहिए। और मैं इसलिए ये कहूँगी कि आनंद का क्षण तो है। मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ये फैसला दिया है वो एक ऐतिहासिक फैसला है, और इस फैसले के संबंध में मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये इतिहास का एक लैंडमार्क जजमेंट है। सहज रूप से सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए, और मैं जनता से भी ये अपील करूंगा कि सभी शांति और सौहार्द बनाए रखने का प्रयत्न अपनी तरफ से करेंगे, और इस जजमेंट को पूरे धैर्य और उदारता के साथ सभी को स्वीकार करना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, अब जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सब को इसे स्वीकार करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए, और इस मसले का यह समाधान है कि सबको एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसे पूरे तौर पर स्वीकार करना चाहिए। लेकिन ये देश आस्थाओं के आधार पर नहीं चलता है, संविधान से चलता है और सत्य के आधार पर चलता है। तो सत्य में जयते आज चरितार्थ हुआ और राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, और वहां भी एक निष्पक्ष संस्था के द्वारा, और मुस्लिम पक्ष का भी सम्मान रखते हुए उनके लिए भी मस्जिद के लिए जगह दी गई। इससे सौहार्दपूर्ण और भाईचारा वाला कोई एक कोर्ट का आदेश, निर्णय या न्याय नहीं हो सकता था। और मुझे तो इसमें लगता है कि बड़ा दिल रखते हुए हिंदू भाइयों को भी मस्जिद निर्माण के लिए सहयोग देना चाहिए, और क्योंकि राम मात्र हिंदुओं के ही नहीं, वो मुसलमानों के भी पूर्वज हैं, राम भारत के पूर्वज हैं। आज हमारे मजहब अलग होने से पूर्वज अलग नहीं हो जाते, और यह ऐतिहासिक तथ्य और सत्य है कि आज से 500,000 साल पीछे जाएंगे तो राम हम सबके पूर्वज हैं, हम ये पाएंगे। इसलिए अपने पूर्वज को सम्मान देने के नाते मुस्लिम भाइयों को भी मंदिर निर्माण में सहयोग देना चाहिए। ऐसा होने से भाईचारे की एक दुनिया में नई मिसाल पेश करने में भारत का गौरव बढ़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस समय हिंदुस्तान पर हैं। कुछ अराजक तत्व, कुछ जिनके अंदर मजहब का उन्माद भरा है, ऐसे तत्व देश की शांति, सद्भावना, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार कर सकते हैं, देश का माहौल खराब करने के लिए भी चेष्टा कर सकते हैं। ये देश का एक बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा का भी काल है कि देश में किसी भी प्रकार का धार्मिक, मजहबी, सांप्रदायिक उन्माद पैदा ना हो। यह हम सब देश के जिम्मेदार नागरिकों का उत्तरदायित्व भी है, और इस शांति सद्भाव को बनाए रखने के लिए धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक क्षेत्र के जितने भी वरिष्ठ हैं उन सबको अपील भी करनी। देखिए ऐसा है ना कि हम इससे पहले भी कहते हैं कोर्ट ने जो भी कहा वो ठीक कहा, हम उसका सम्मान करते हैं।
ये जिम्मेदारी सरकार की हम वो कहाँ देती है कहाँ नहीं देती है, क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे आज भी करते हैं। हमें चाहते हैं ये मसला हिंदुस्तान का बहुत अहम था, वो आज खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग के एंकल से एक बहुत पॉजिटिव बात कही गई है कि किसी भी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई है, और हम लोगों का शुरू से ये स्टैंड है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट होगा उसका हम सब लोग मिलकर एहतराम करेंगे। और मेरी सबसे एक बार फिर से यही अपील है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है इसका सब लोग एहतराम करें और हर तरीके से अमन और सुकून और कम्युनल हारमोनी बरकरार रखें। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट, वी हैव विल गो थ्रू इट फुल्ली, देन वी विल डिसाइड व्हाट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन विल बी आवर्स। दैट इज डिटेल्ड कमेंट्स कैन नॉट बी मेड जस्ट नाउ, बट वी कैन से दैट द जजमेंट इज देयर आर सेवरल कंट्रडिक्शंस इन द जजमेंट एंड देयर आर सम incorrect findings also, so we will examine them, but naturally it is judgment of Supreme Court, we respect it, there is no question of, and we appeal to the nation. अयोध्या राय परे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रतिक्रिया रखी समस्त शांति बजाय रखा निवेदन कर एआईएमपीएलबी राय को नहीं उत्सव और विरोध प्रदर्शन न हो सुप्रीम कोर्ट राय को सम्मान जनावु सुप्रीम कोर्ट राय में आम संतुष्ट नुहे पुनर्विचार आवेदन एवं निष्पत्ति नहींना कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसके साथ हमेशा से कहते रहे कि हम रेस्पेक्ट करते हैं इसकी, और पूरे मुल्क के आवाम से यही अपील करते हैं कि वो पीस और ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन रखें, किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट या कोई एहतजाज किसी साइड से नहीं होना चाहिए, ना कोई इसके लिए ये सोचना चाहिए कोई डिफीट किसी की है या किसी की विक्ट्री है। तो दैट वी हैव ऑलवेज सेड एंड टुडे आल्सो वी रिटेटेड and whatever legal course is possible that we will adopt. We are especially dissatisfied with some findings of the Honorable Supreme Court which we are just heard, but after going through the judgment we will clarify those things in detail. अयोध्या प्रसंग रे सुप्रीम कोर्ट को स्वागत करिसेंती वक्फ बोर्ड रो पूर्वतन अध्यक्ष सैयद अकरम। अयोध्या का जो राय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है एक स्वाभाविक राय है, इस राय को सारा भारतवर्ष के सभी पक्ष लोग जो हैं इसे स्वागत करना चाहिए, और हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पे हर हाल में भी भाईचारा कायम रखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो। जब भी फैसला आता है हमेशा किसी पक्ष को संतुष्ट करता है किसी पक्ष को असंतुष्ट करता है, मगर मेरे माने यह है कि ऐसा एक राय आया है जिसको सभी पक्ष जो है इसको स्वागत करना चाहिए, और मैं इस राज्य के सभी मेरे भाइयों से अपील करूंगा कि किसी भी हाल में हमारा शांति व्याहत होना नहीं चाहिए और हम हर हाल में शांति कायम करना चाहिए। इस्लाम का भी यही मैसेज है कि हमेशा शांति